शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीर्ति अचानक से कहाँ चली गई? इतने प्यार से चाय बनवाई। सिया बेटा, कीर्ति ताई जी कहाँ गई? मुझे नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ना फटाफट अपना होमवर्क फिनिश कर लो, उसके बाद शाम में आपको पापा के साथ बाहर भी तो जाना है ना खाना खाने के लिए। चलो आ जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आपको जाना है तो आप जाओ। आपको अचानक से क्या हो गया? आप तो कितना खुश थे उनके साथ बाहर जाने के लिए। मेरा मन नहीं है, आप जाओ। अरे पिता पर, अचानक क्या हो गया आपको अचानक से? लगता है आपके नानी नानू आ गए, मैं देखती हूँ। पापा, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा, डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट लिखे, परसों बुलाया है। मम्मी, अब से ना आप घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। इस वक्त आपको अपना ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब से आप सिर्फ आराम करेंगी, बस। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ सिया कैसी है अब? सिया अपने कमरे में है, होमवर्क कर रही है। श्रद्धा बेटा, क्या बात है? पापा, पता नहीं अचानक से सिया को क्या हो गया, वो भी बाहर जाने से मना कर रही है। मैं यही सोच रही हूँ कि क्यों ना अभय और शाली को घर पर ही बुला लूँ खाने पे। क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ बेटा, इस बहाने हम लोग भी शाली से मिल लेंगे। और अभय बेटा, तो कितने सालों के बाद यहाँ आ रहे हैं, इस बहाने वो भी हम सबके साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। मैं काम करती हूँ, उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। मुझे लगता है कि हमें लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए, हम लोग किसी बहाने से बाहर चलेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि बस हमारी बच्ची का फिर से घर बस जाए, और हो सकता है आज की शाम इन दोनों की पहली सीढ़ी बन जाए। हेलो। हेलो अभय, वो मैं ये कह रही थी कि आप शांवी को लेकर आज घर ही आ सकते हैं क्या? घर क्यों, पर हमने तो प्लान किया था ना कि बच्चों के साथ बाहर खाना खाने जाएंगे। हाँ सोचा तो था, पर सिया को थोड़ी थकान सी हो रही है, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आप शांवी को लेकर घर ही आ जाते तो हम सब यहाँ आराम से मिल लेते, और फिर अगर सिया का मन हुआ तो हम बाहर जाकर आइसक्रीम भी खा सकते हैं। हाँ ठीक है, हम घर ही आ जाएंगे। ठीक है। पापा मम्मी, अभय से मेरी बात हो गई है, वो शांवी को लेकर घर ही आ रहे हैं, मैं बाकी की तैयारियां कर लेती हूँ। पूरी तैयारी करके बैठी, हम जानते थे कुछ न कुछ बहाना बना के अपने घर बुला लेंगे। अरे उसके पुराने पैतरे हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और यही सब उस मनहूस को भी सिखा के यहाँ भेज दिए। मम्मी कभी कभार ना आपको ज्यादा ही बोल जाती है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी पोती से मिलने जा रहा हूँ, और उसे भी कोई खेलने के लिए मिल जाएगा। मम्मी, अरे वाह, हम तो सोच रहे थे कि कैसे आपको जाने से रोके, पर अब जब आप हमारे घर ही जा रहे हैं तो ये तो और अच्छा हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं। पता नहीं उस सुबह के दिमाग में क्या चल रहा है, उनको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। बस वो अपशगुनी हमारे घर की लक्ष्मी के आसपास भी न फटके। हाँ छोटी दादी, चाचू कहाँ है? आपके चाचू का आज बाहर खाने का मूड था तो बाहर गए। और शांवी? वो अभी तुम्हारे चाचू के साथ है। वो दोनों साथ में बाहर घूमने गए हैं? अरे हाँ भाई। कब तक आएंगे?
हमें नहीं पता, अपने चाचू से पूछो। अरे पर उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया कि वो कब तक लौटेंगे? अरे आपके चाचू आपकी मासी श्रद्धा के साथ हमारी सिया और उस सानवी को लेके घूमने गए हैं। पहले से ही हमें बहुत गुस्सा आया हुआ है, अब और गुस्सा मत दिलाओ आप हमें। सानवी मेरी गुड़िया। अभय अंदर आइए ना। वो सिया कहाँ है? मुझे आज ही यहाँ से ले चलो। बेटा पापा ने आपको प्रॉमिस किया है ना, एक हफ्ता होते ही आपको ले जाऊंगा यहाँ से। बट ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आप हो कैसे? अच्छी हो, आप जो आए हो मेरे लिए। आ जाओ बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए खास कुछ बनाया है, आ जाओ। तुम्हारे पापा मम्मी नहीं दिख रहे? वो पड़ोस के शर्मा अंकल के यहाँ गए हैं दोनों। अब सिया बेटा आपको पता है सानवी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। सानवी अपनी ड्राइंग दिखाओ सिया को, जो आप मुझे दिखा रहे थे। हाँ जी पापा, अभी दिखाती हूँ। ये दादाजी, ये दादी, ये पापा, ये मम्मा, ये मैं और ये आप सिया दी। सिया बेटा देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ बनाया है खाने के लिए, आपका फेवरेट पिज्जा, सैंडविच और देखो ऑरेंज जूस भी है। आपको ऑरेंज जूस पसंद है ना? मुझे नहीं पसंद। सिया बेटा आपको तो बहुत पसंद है जूस। बाप रे शदर, तुमने इतना कुछ बनाया सिया के लिए। अरे अरे सानवी बेटा आराम से, ये लो बेटा। थैंक यू पापा। सिया बेटा देखिए अपनी ड्राइंग्स, हम सब है उसमें, कितनी प्यारी है ना। सिया ना? इसे अचानक क्या हो गया? पता नहीं अबे, दोपहर तक तो बहुत खुश थी बाहर जाने के लिए, फिर अचानक से इसका मन बदल गया, लगता है किसी बात से परेशान है। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।